समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा मुरादाबाद के साबिक मेयर मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से 2014 के चुनाव में सपा प्रत्याशी के रूप में लगभग 4 लाख वोट लेकर दूसरे मकाम पर रहने वाले डॉक्टर सैयद तुफैल हसन अलमारूफ डॉक्टर एसटी हसन ने सभी देश व प्रदेशवासियों और खास तौर से मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के सभी आवाम को आने वाले नए साल 2019 की दिली मुबारकबाद पेश की है और इस तमन्ना का इजहार किया है कि नया साल 2019 हम सबकी जिंदगी में खुशियाँ खुशहालियाँ सेहत और तंदुरुस्ती और नई नई कामयाबियाँ लेकर आए। नए साल में आपसी भाईचारे मजहबी रवादारी गंगा जमनी तहजीब और विकास को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले नफरतों का माहौल खत्म हो और हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान तरक्की के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़े। डॉक्टर एस टी हसन ने कहा, मैं तमाम ही मुरादाबाद की आवाम को और पूरे प्रदेश और देश की जनता को तहे दिल से नए साल के बाद मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मैं यही अपील करूँगा सभी लोगों से कि देश जिस हालात से आज गुजर रहा है, जो माहौल देश का बनाया जा रहा है, जिस तरह से भाई को भाई से अलग करने की कोशिश करके सियासी फायदे उठाने की कोशिश की जा रही है, हमें आने वाले इस साल में इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा चौकस रहकर ध्यान देकर इन तमाम लोगों की कोशिशों को नाकाम करना है। हम अपना आपसी सौहार्द भाईचारा प्यार मोहब्बत कायम रखते हुए एक अच्छी फिज़ा में हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की फिज़ा में हम आगे आने वाले साल को खुशियों के साथ गुजारें और मेरी सभी लोगों से यह अपील भी है और ये दुआ भी है कि आने वाले साल में हम सबको अल्लाह पाक हर आफत से हर मुसीबत से और हर सांप्रदायिक दंगों से बचाए रखे और आने वाले वक्तों में देश इस साल देश के ऊपर वो लोग हुकूमत करें जिन जो दिलों को जोड़ने की बात करते हैं, वो लोग इस देश के ऊपर हुकूमत करें जो विकास की बात करते हैं, वो लोग इस देश के ऊपर हुकूमत करें जिन्होंने हमेशा प्यार मोहब्बत और गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा दिया है।